नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि माई बिलिंग पैड में परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों ये समझिए कि ये इतना आसान इसमें परचेज की एंट्री करना है कि टू स्टेप में आप परचेज एंट्री कर सकते हैं और इसके कुछ बहुत ही लेटेस्ट फीचर्स हैं जो इसमें दिए गए हैं। चलिए तो हम इसको देखते हैं कि कितना इजी और कितना फास्ट, मतलब इतना सिंपल कि आप बस दो तीन स्टेप में हमारा पूरा का पूरा परचेज एंट्री कंप्लीट हो जाता है एकदम सरलतन रूप में। तो चलिए देखते हैं। सिंपली देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले सप्लायर जो हमारे होंगे उनका सप्लायर ऐड कर लेना है। तो अगर हमारे पास पहले से सप्लायर हमने बनाया हुआ है तो यहाँ पे थ्री आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो सप्लायर की लिस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी सप्लायर की लिस्ट शो हो जाएगी। अन्यथा अगर आपको नया सप्लायर ऐड करना है तो आप ऐड न्यू वाले ऑप्शन में जाके क्लिक करके एक नया सप्लायर बना सकते हैं। जैसे मैं आपको देखिए अभी बना के दिखा देता हूँ। सिंपली हमने ऐड न्यू सप्लायर पे क्लिक किया, ये देखिए सप्लायर एंट्री का फॉर्म ओपन होके आ गया। सप्लायर का नेम एग्जांपल के तौर पे हमने डाल दिया यहाँ पे ए बी सी डी। सप्लायर का एड्रेस मैंने यहाँ पे एक एड्रेस डाल दिया, जैसे सपोज दैट यहाँ पे ए बी सी डी। इसी प्रकार आप यहाँ पे उसकी सिटी लिख सकते हैं। सिटी लिखने के बाद यहाँ पे आप उसका स्टेट, भाई सपोज दैट अगर उत्तर प्रदेश का है तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लिया। उनका आप ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर, पैन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल कोड, मतलब आप ये समझिए सप्लायर की फुल डिटेल्स आप इसमें एकदम आसानी से फिल कर सकते हो, एकदम इजी। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक नंबर डाल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 87077 11 570। आप यहाँ पे देख रहे, जैसे हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला, सिंपली हमको क्या कर देना है, यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर लीजिए। इसमें देखिए कितना अच्छा फीचर है, अगर इस कस्टमर का पहले से कोई बैलेंस आपका डेबिट में है, क्रेडिट में है, तो सिंपली आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आप डेबिट क्रेडिट सेलेक्ट करके यहीं पे आप इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। इतना आसान, देखिए सिंपली बस से बटन पे जैसे हमने क्लिक किया हमारा सप्लायर ऐड हो गया। अब सप्लायर ऐड हो गया, हमने यहाँ पे क्लोज बटन को क्लोज किया, रीसेट। आप यहाँ पे देखिए हमारा सप्लायर आ गया ए बी सी डी, हमने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि सप्लायर हमारा यहाँ पे ऐड होके आ गया फुल डिटेल्स के साथ। सिंपली जो भी प्रोडक्ट ऐड करना है प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करिए। जैसे प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करते हैं आप देखिए यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ओपन होके मिल जाएंगे। जो प्रोडक्ट्स आपको लेना है यहाँ पे सिंपली क्लिक करके ले लीजिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट एंट्री हो। अब इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पे बारकोड वाइज अपना प्रोडक्ट एंट्री कराना है तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे बारकोड डालना है। जैसे मैं अपना बारकोड यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 20037, और आप देख रहे हैं जैसे हमने इंटर किया देखिए प्रोडक्ट की एंट्री ऑटोमेटिक हो गई। तो आप यहाँ पे इस बारकोड वाइज भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सर्च द्वारा भी आप यहाँ प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप किया कि हम यहाँ जीएसटी में ले रहे हैं, कि समाधान में हम जीएसटी में ले रहे हैं, प्रोडक्ट को जीएसटी में ऐड किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली अभी कितनी क्वांटिटी हम इसको ले रहे हैं, हम 10 पीस ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने 10 टाइप किया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखिए डिस्काउंट, अगर हमें परचेस करते समय कुछ डिस्काउंट मिला है, अगर अमाउंट वाइज मिला है तो आप अमाउंट वाइज यहाँ पे ऐड कर लीजिए, सपोज दैट अमाउंट वाइज, फिर यहाँ पे हम अमाउंट लिख दें। एग्जांपल के तौर पे जैसे 10 रुपये, तो यहाँ पे इसी प्रकार हम परसेंटेज वाइज मिला है तो हमने यहाँ पे क्या क्लिक किया परसेंटेज पे, और यहाँ पे सिंपली हम परसेंटेज डाल देंगे कितना परसेंटेज हमको मिला। अगर 10% तो 10% यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा अमाउंट कि 10% टोटल का कितना हुआ। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो भी सप्लायर का हमारा इनवॉइस नंबर होगा हम यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे, और किस डेट पे हम यहाँ अपनी एंट्री कर रहे हैं इनवॉइस की वहाँ पे हम डेट ले लेंगे। इतना लेने के बाद प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे। एक प्रोडक्ट डेट हो गया, सीधा से क्लिक किया प्रोडक्ट डेट, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऐड होके आ गया। इसी प्रकार जितने भी प्रोडक्ट आप ऐड कराना सिंपली यहाँ पे सर्च द्वारा करें या बारकोड स्कैन ऐड फटाफट आप यहाँ पे सारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया हमने यहाँ पे देखिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए बस प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, ऐड करिए यहाँ पे ऐड फटाक से, यहाँ पे अगला प्रोडक्ट और ऐड किया, ये देखिए तुरंत ऐड, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्लिक ऐड किया तुरंत ऐड। आप समझिए कि इतना इजी और सरल है कि बस टू स्टेप में हमारा प्रोडक्ट इसमें एंट्री हो जाती है। सिंपली लास्ट स्टेप क्या, आप यहाँ पे देखिए कि अभी यहाँ पे टोटल हमको बता देगा कि भाई टोटल बैलेंस हमारा विद टैक्स कितना हुआ। सब टोटल यहाँ पे देखिए 864 रुपये 84 पैसे, उसके बाद सी जी एस टी कितना लगा, एस जी एस टी कितना लगा, और यहाँ पे अगर शेष है या कोई और अमाउंट लगेगा तो वो भी दिखा देगा। प्रीवियस ड्यू, अगर इनका कुछ पिछला पैसा यहाँ पे अमाउंट बाकी है तो यहाँ पे उनका प्रीवियस ड्यू दिखेगा, और टोटल बैलेंस इनका देखिए यहाँ पे हो गया आपका 969 रुपये। यहाँ पे देखिए जब भी हम परचेस करते हैं दो मोड में करते हैं, अभी हम यहाँ पे जो परचेज एंट्री कर रहे थे क्रेडिट मोड पे, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टोटल बैलेंस डाल नहीं सकते, पेड नहीं कर सकते। जब यहाँ पे हम इसको अगर कैश मोड पे ले लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे चेंजेस हो जाएगा, टोटल पेड वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा।
सिंपली आप यहाँ पे पैसे को पेड कर दीजिए जो इतना भी कैश हुआ, और यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आके सेव कर दीजिए। अभी हम क्रेडिट में कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्रेडिट लिया, और उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया, हमारी ये देखिए परचेस एंट्री कंप्लीट। तो आप समझिए सिंपली प्रोडक्ट को हमने सर्च किया या बार कोड से ऐड किया, और जैसे ही ऐड किया प्रोडक्ट को सिंपली हमने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया, तो टू स्टेप में परचेस एंट्री कंप्लीट। इतना इजी और सरल, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रोडक्ट को सर्च करिए, ऐड करिए, सेव कर लीजिए और परचेज की एंट्री कंप्लीट हो गई। तो आशा करता हूँ आपको एकदम आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि परचेस एंट्री करना कितना आसान है इस सॉफ्टवेयर में माई विलिंग पैड।